और इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में भी ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल आज बिहार में शक्ति प्रशिक्षण से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। बिहार झारखंड सहित 17 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना में छापेमारी। सीबीआई का सुनील सिंह के ठिकानों पर छापा आज सुबह से ही जारी। आज शक्ति प्रशिक्षण से पहले बिहार में बड़ी सियासी हलचल। दिल्ली तमिलनाडु में भी ईडी की छापेमारी। बता दें कि अवैध खनन मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई का सुनील सिंह के ठिकानों पर छापा। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज शक्ति प्रशिक्षण से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज। बिहार झारखंड सहित 17 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना में छापेमारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी निशांत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए आजकल हम लोग जैसा कि कयास लगा रहे थे कि सरकार वहां पर पलटने के बाद अब ईडी सीबीआई की दस्तक होगी, ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। बिहार हो, झारखंड हो, इसके अलावा तमिलनाडु के 17 जगहों पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के एमएलसी आरजेडी से जो एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, उनके यहाँ पर रेड पड़ी है। सबसे बड़ी बात इस मुद्दे से ये निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर सीबीआई और ईडी की दस्तक तेज हो गई है, धरपकड़ तेज हो गई है। इन लोगों को डर था, आरजेडी को डर था पूरी तरह से कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद अब ईडी से उनका सामना होगा, और ठीक वैसा ही हो भी रहा है। अब देखना होगा कि पूछताछ में, रेड में क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि इनके खेमे में हलचल है। हाँ चल निशांत, मैं ये बात भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिल्ली में भी ईडी सीबीआई का छापा और फिर बिहार में भी, जैसा कि आपने बताया कि सत्ता पलट के बाद उम्मीदें जताई जा रही थी ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी गया है, तो क्या जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी सीबीआई के छापे की ईडी और सीबीआई की छापेमारी होती है, क्या ये बात में कितना दम है, मतलब विपक्ष के दावों में कितना दम है? आप देखिए, ये जब सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी शासित प्रदेशों में जो सरकारें हैं उनकी बनती है, क्या उनके सभी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि पूरी तरीके से साफ साफ हैं? क्या उन्होंने उनके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है? क्या उनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है? ये सारे सवाल विपक्ष के खेमे में नहीं बल्कि देश के कई बुद्धिजीवियों के पास भी है। अब उनको भी अपना स्पष्टीकरण आके देना होगा कि क्या बीजेपी से जुड़े जो नेता है उनके आसपास उनके पास ऐसे कितनी संपत्तियां हैं जो कटघरे में हैं। अब फिलहाल की बातें ये हैं कि ईडी की दस्तक बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, अब बिहार, तमिलनाडु और झारखंड भी पहुंच चुकी है। इन जगहों पर ईडी और सीबीआई की दस्तक तेज इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर गैर बीजेपी शासित जो नेता है, गैर बीजेपी शासन यहाँ पर है। इसके अलावा एक और हम आपको जानकारी दे दें कि अब ये भी माना जा रहा है कि आज दिल्ली में कुछ आम आदमी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और बड़े पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी उनकी गिरफ्तारी करेगी। देखिए, आरजेडी का गठबंधन जेडीयू से बिहार में भले है लेकिन इससे पहले बीजेपी से उनका गठबंधन था, कुछ ही महीने पहले बीजेपी के साथ सत्ता में थी। तो क्या इन 2-3 सालों में वहां के इन नेताओं पर ईडी की धरपकड़ नहीं हुई? क्या जेडीयू के नेताओं के पास जो ईडी जा रही है क्या उनके पास ऐसे सबूत नहीं मिले? ये सारे सवाल इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि 17 जगहों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है और लगातार उन नेताओं से पूछताछ जारी है। अभी तक छापेमारी में नाम आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का सामने आया है, क्या निशांत सुनील सिंह के अलावा भी कुछ और नाम अभी तक सामने आए हैं? देखिए, झारखंड की बात कर लें तो वहां पर हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, वहां पर वीरेंद्र सिंह नामक जो जनप्रतिनिधि हैं उनके घर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी है। इसके अलावा एक सोरेन है, वहां पर भी दस्तक पड़ी है ईडी की। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि तमिलनाडु, बिहार और
झारखंड की बात कर ले तो इन तीनों जगहों को मिलाकर 17 जगहों पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है। अपने आप में इन संस्थाओं की इतनी बड़ी रेड बहुत बड़ी बात है, यानी पूरी तरीके से ये नेता कटघरे में है। हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, अब उन नेताओं की भी जवाबदेही होगी जहां पर ईडी और सीबीआई पहुंच रही है। क्या ये पूरी तरह साफ पाक है, क्या इनके पास संपत्ति नहीं है, इसका इनको स्पष्टीकरण देना होगा। जी निशांत, जैसा कि आपने बताया कि सुनील सिंह के अलावा भी 3-4 नाम ऐसे सामने आए हैं, ऐसे में एक सवाल भी बनता है कि बिहार में हाल ही में सत्ता पलट हुआ है, क्या इसे बीजेपी की बौखलाहट समझे? देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, गंभीर पार्टी है, उसका कार्य करने का अलग तरीका होता है और जवाब देने का भी अलग तरीका है। मैं उसे बेहद जिम्मेदार पार्टी मानता हूँ। इस आरोप को विपक्ष लगा रहा है, हम अपने तरीके से, हम अपने एंगल से ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी है तो केंद्र का सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी करेगी। जिन जिन नेताओं के घर ईडी की रेड पड़ी है, ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ साथ नहीं मिले हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि पार्थ चटर्जी के घर से, उनके करीबियों के घर से करोड़ों के कैश बरामद हुए, लाखों के कैश बरामद हुए। ये बातें बताती है कि नहीं, ईडी की जो दस्तक हुई अपने आप में स्पष्ट है। इसके अलावा आरजेडी का जो पुराना इतिहास है, आप जानती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं बल्कि कहीं ना कहीं माफियागिरी, मनी लॉन्ड्रिंग से ही उनकी पहचान रही है। फिलहाल के दिनों में भले उनकी छवि कुछ बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल जनता ये पूछ रही है कि क्या बीजेपी के पूरे नेता ईमानदार हैं, क्या उन पर कोई केस नहीं है, क्या उन पर ईडी की दस्तक क्यों नहीं पड़ रही, ये सवाल है। सवाल यहाँ पर ईडी और सीबीआई के रोल पर, ईडी और सीबीआई के कार्यों पर यहाँ पर सवाल या निशान नहीं उठाए जा रहे, बल्कि ये उठाए जा रहे हैं कि क्यों बीजेपी शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई की दस्तक नहीं हो रही है। अब देखना होगा।